नमस्ते। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग नया हाइपरओएस थीम के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर डायनेमिक लोकेशन के साथ जो है आईओएस स्टाइल यूआई भी देखने को मिल जाएगा कुछ थीम के साथ। इस वीडियो के दौरान 6 नया हाइपरओएस थीम जो कि अवेलेबल है उसके बारे में बात करने वाले है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक या शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। वन बाई वन सभी थीम को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने जो इस थीम को जो है यहाँ पर अप्लाई किया है एंड थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट करना जरूरी है तो थीम जो है सभी प्लेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। एंड सभी थीम का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके थीम स्टोर में जाके सभी थीम को जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से वॉलपेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लॉक विजेट्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, वेदर विजेट्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इवन आइकॉन के साथ भी चेंजेस है। यहाँ पर गैलरी आइकॉन, फाइल मैनेजर, कैलेंडर, कैलकुलेटर, वेदर, सेटिंग्स, थीम, कैमरा, डायलर सभी आइकॉन के साथ जो है कम्प्लीटली यहाँ पर जो है चेंज देखने को मिल गया है। अगर बात करें पर डायलर के बारे में, डायलर के साथ भी चेंजेस है। डायलर का जो यूआई है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है। रीडिजाइन यूजर इंटरफेस देखने को मिल गया है डायलर के साथ। डायलर पैड के साथ भी चेंजेस है। यहाँ पर बैटरी बार हो जाए, ब्लूटूथ आइकॉन, म्यूट आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है। ब्लूटूथ आइकॉन, वाईफाई आइकॉन, फ्लैश लाइट, म्यूट, यहाँ पर डार्क मोड, लॉक स्क्रीन सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। कंट्रोल सेंटर का जो यूआई है कम्प्लीटली यहाँ पर जो है चेंज हो गया है। मैसेजिंग एप्लीकेशन की अगर बात करें कुछ इस तरह से मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ यूआई देखने को मिलेगा। इस थीम के साथ जो है पर एनिमेशन के साथ जो है यहाँ पर आइकॉन के साथ जो है एनिमेशन को ऐड किया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है। वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल के साथ भी मिनिमल चेंजेस देखने को मिलेगा। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें, सेटिंग्स मेनू भी कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू के साथ जो आइकॉन देखने को मिल रहा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, यहाँ पर जो है बैटरी सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो स्विच स्टाइल के साथ हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। अगर बात करें यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर के साथ जो आइकॉन है उसके साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। देख सकते हो जिस तरह से आइकॉन देखने को मिल गया है कंट्रोल सेंटर के साथ। अगर बात करें यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन के बारे में कुछ इस तरह से जो है लॉक स्क्रीन यूआई को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है स्टेप काउंटर का ऑप्शन है, यहाँ पर थीम का ऑप्शन है, फ्लैश लाइट एंड वेदर का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया है। एनीवे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ। नेक्स्ट थीम को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो इस थीम को अप्लाई किया है एंड इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलता है, यहाँ पर वेदर विजेट्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर ब्लूटूथ आइकॉन, बैटरी बार के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। वॉलपेपर देख सकते हो इस थीम के साथ जो है काफ़ी डिफरेंट एंड काफ़ी यूनिक वॉलपेपर देखने को मिलेगा। आइकॉन की अगर बात करें पर गैलरी, फाइल मैनेजर, कैलेंडर, कैलकुलेटर, रिकॉर्डर, सेटिंग्स, थीम, कैमरा, डायलर सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। काफ़ी डिफरेंट आइकॉन देखने को मिल गया है। डायलर की अगर बात करें पर डायलर के साथ हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर MIUI के साथ जो नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है, पुराना वाला जो कंट्रोल सेंटर है उसका कुछ इस तरह से UI है। पर वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। सेटिंग्स मेनू जो है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है। सेटिंग्स मेनू के ऊपर जितने भी आइकॉन है सभी आइकॉन कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, बैटरी सभी आइकॉन के साथ चेंजेस है। कम्प्लीटली रीडिजाइन UI देखने को मिलता है एंड नया वाला कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, यहाँ पर लॉक स्क्रीन, हॉटस्पॉट, फ्लैश लाइट सभी के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ कुछ इस तरह से UI देखने को मिल जाएगा एंड लॉक स्क्रीन UI की अगर बात करें, बाई डिफॉल्ट लॉक स्क्रीन UI को ऐड किया गया है इस थीम के साथ। एनीवे बढ़ते दोस्तों पर नेक्स्ट थीम की तरफ। नेक्स्ट जो थीम, इस थीम को सिंपली यहाँ पर अप्लाई करते हैं एंड यहाँ पर सभी जो थीम है MIUI 12, MIUI 12.5, MIUI 13, MIUI 14 हाइपरओएस के साथ जो है काम कर जाएगा सभी रेडमी एंड पोको डिवाइस के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर इस थीम के साथ जो है कुछ इस तरह से UI देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर विजेट्स का जो ऑप्शन है काफ़ी बढ़िया है। वॉलपेपर भी देख सकते हो, आइकॉन भी देख पाओगे। यहाँ पर सेटिंग्स, वेदर, रिकॉर्डर, कैलकुलेटर, गैलरी, फाइल मैनेजर सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। काफ़ी बढ़िया एंड यूनिक आइकॉन पैक देखने को मिल गया है। कैमरा, थीम, मैसेज सभी आइकॉन के साथ चेंजेस है। इवन डायलर पैड के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया जो है पर डायलर पैड देखने को मिलता है।
डायलर के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा, प्लस जो मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी यहाँ पर मिनिमल चेंजेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बैटरी बार, म्यूट आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन के साथ चेंजेस है, प्लस वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, वाईफाई आइकॉन, फ्लैश लाइट, मोड, लॉक स्क्रीन, रीडिंग मोड, सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें पर सेटिंग्स मेनू भी कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है। अगेन यहाँ पर आइकॉन के साथ चेंजेस है, डिस्प्ले, साउंड, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बैटरी, सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। सेटिंग्स मेनू भी चेंज हो गया है। एंड पुराना वाला कंट्रोल सेंटर के साथ जो है पर कुछ इस तरह से आइकॉन के साथ भी चेंजेस है, जैसे कि स्कैनर, स्क्रीन शॉट, इस तरह से आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन के बारे में, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन के ऊपर एनिमेशन को ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। तो इस तरह से लॉक स्क्रीन UI देखने को मिल जाएगा इस थीम के साथ, तो आप जरूर से इस थीम को भी ट्राई कर सकते हो आपके डिवाइस के ऊपर। एनीवे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ। सिंपली इस थीम को यहाँ पर जो है अप्लाई करते हैं, ये जो थीम है यहाँ पर अप्लाई हो गया है। यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से वॉलपेपर देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस थीम के साथ जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आइकॉन देख सकते हो, यहाँ पर जो है कोई भी लेवल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्कैनर, फाइल मैनेजर, गैलरी, सेटिंग्स, थीम, मैसेज, कैमरा, ऐसे भी ऑप्शन है। एनीवे यहाँ पर डायलर के साथ चेंजेस देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह से डायलर के साथ जो है कम्प्लीटली पर रीडिजाइन UI देखने को मिल जाएगा। इवन मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, मैसेजिंग एप्लीकेशन कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है, बैटरी बार के साथ चेंजेस है, ब्लूटूथ आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिल रहा है। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें, MIUI का जो पुराना वाला जो कंट्रोल सेंटर है उसके साथ भी चेंजेस है। यहाँ पर जो है मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ आइकॉन, वाईफाई आइकॉन, ऑटो ब्राइटनेस, म्यूट, डार्क मोड, सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल है, वॉल्यूम पैनल के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें, सेटिंग्स मेनू के ऊपर जितने भी आइकॉन है सभी आइकॉन के साथ जो है पर चेंजेस देखने को मिलता है। एंड नया वाला कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से UI देखने को मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर आइकॉन के साथ चेंजेस है, यहाँ पर रीडिंग मोड, म्यूट आइकॉन, बैटरी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लॉक स्क्रीन के साथ जो विजेट्स को ऐड किया गया है, यहाँ पर जो है फ्लैश लाइट कैमरा का जो ऑप्शन है, एंड इस तरह से जो है पर स्वाइप डाउन करके अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यहाँ से वाईफाई को, मोबाइल डेटा को एनेबल कर सकते हो, प्लस यहाँ पर बैटरी पार्सेंटेज को ऐड किया गया है, डायनेमिक आइलैंड का ऑप्शन है, सेटिंग्स मेनू को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को एनेबल करने के लिए स्वाइप डाउन करके यहाँ पर जो सेटिंग्स का आइकॉन है इसमें टैप करना होगा, उसके बाद इस तरह से अलग अलग वॉलपेपर को सिलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो चार्जिंग एनिमेशन के उसे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, डायनेमिक आइलैंड का ऑप्शन है, अलग अलग जो कंट्रोल सेंटर उसे एनेबल कर सकते हो, एंड अलग अलग ऑप्शंस को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर को सिलेक्ट कर पाओगे, यहाँ पर टैप करके आपको अलग अलग वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टैप करके डिफरेंट डिफरेंट जो फॉन्ट है उसे सिलेक्ट कर सकते हो, एंड यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो ढेर सारी फीचर्स को ऐड किया गया है, इवन विजेट्स को भी यहाँ से जो है ऐड कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। तो जरूर से इस थीम को जो है ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। ओके, नेक्स्ट ए वाला जो थीम है इस थीम को अप्लाई करते हैं। सभी थीम का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ए जो थीम है यहाँ पर अप्लाई हो गया है, एंड इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से वॉलपेपर देखने को मिलेगा, आइकॉन देख सकते हो, यहाँ पर गैलरी, फाइल मैनेजर, कैलेंडर, कैलकुलेटर, थीम, कैमरा, डायलर, सभी आइकॉन के साथ चेंजेस है। प्लस यहाँ पर विजेट्स के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। एंड डायलर की अगर बात करें पर डायलर पैड के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा, काफ़ी डिफरेंट डायलर पैड देखने को मिल गया है। एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट UI देखने को मिलता है। कंट्रोल सेंटर के साथ जो है पर कलर के ऊपर थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है, बाकी यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू है कम्प्लीटली यहाँ पर जो है रीडिजाइन हो गया है, ट्रांसपेरेंट UI देखने को मिलता है। एंड MIUI 11 के साथ जो है कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर का UI देखने को मिलेगा। बाकी लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, काफ़ी बढ़िया जो है मिनिमल लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है इस तरह से अलग अलग लॉक स्क्रीन UI देखने को मिल जाएगा। बैटरी पार्सेंटेज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एनीवे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ। ये जो थीम है लास्ट थीम है, इस थीम को अप्लाई करते हैं। एंड वीडियो को जरूर से लाइक शेयर कर सकते हो, ना MIUI थीम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके अलग अलग थीम का जो वीडियो है उसे भी चेकआउट करके देखो। यहाँ पर जो विजेट्स का जो ऑप्शन है इसमें टैप करके आप जो है अलग अलग विजेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। आइकॉन देख पाओगे यहाँ पर, गैलरी आइकॉन, फाइल मैनेजर, वेदर,
कैमरा थीम कुछ इस तरह से आइकॉन देखने को मिलेगा। म्यूट आइकॉन एंड बैटरी परसेंटेज के साथ भी चेंजेस है। MIUI 11 के साथ कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर डायलर के साथ मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ कोई भी चेंजेस नहीं है। वॉल्यूम पैनल के साथ जो है पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल के साथ जो है UI देखने को मिलता है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें, सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो आइकॉन है यहाँ पर आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले साउंड नोटिफिकेशन बैटरी आइकॉन के साथ चेंजेस है। सेटिंग्स मेनू चेंज हो गया है। स्विच स्टाइल के साथ हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। बाकी यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के साथ जो है पर कुछ इस तरह से चेंजेस देखने को मिलेगा। आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। बाकी लॉक स्क्रीन UI की अगर बात करें, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।